फ्रेंड्स, मैं हूँ आशा। स्वागत है आपका कुक विद आशा में। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है रेड वेलवेट एगलेस केक, जो बनाना बहुत ही आसान है। आप घर में आसानी से बना सकते हो। मार्केट में तो हमें केक बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो हम अपने हाथों से बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप इस वैलेंटाइन डे पे अपना ये केक जरूर बनाना, आपका पार्टनर बहुत खुश होगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कप मैदा चाहिए, 1 कप शुगर पाउडर, 1/2 कप कोका पाउडर, 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। अभी हम इन सब चीज़ों को अच्छे से छान लेते हैं। ये मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से छान लिया। अभी हम सबको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये मिला लिया सभी चीज़ों को हमने। अभी इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब बटर, 1 चम्मच वनीला एसेंस, 1 चम्मच वाइट विनेगर, 1 कप मैंने मिल्क ले लिया है। अभी हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल स्मूथ बैटर बनके तैयार हो गया है। अभी इसमें ऐड करेंगे हम कलर। मैं रेड वेलवेट केक बना रही हूँ, तो इसमें मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ। तो 1 छोटी चम्मच हम रेड कलर डालेंगे और इसको भी मिला लेंगे। आज मैं केक को कढ़ाई में बना रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी बना सकते हो, बट मैं आज कढ़ाई में बना रही हूँ। इसको हर कोई जिसके पास नहीं भी है माइक्रोवेव तो आसानी से घर में बना सकता है। तो ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी हम इसको साइड में रख लेते हैं। ये मैंने मोल्ड में बटर पेपर लगा के रेडी कर लिया है। अभी इसको हम तेल लगा के चिकना कर लेते हैं। तो ये जो मैंने बना के रखा था, इसको अभी इसमें डाल देते हैं। इस तरह ये बैटर मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा हम टैप कर लेते हैं, इसमें जो बबल बने हैं वो निकल जाएंगे। उसे अभी इसको हम गैस पे रख देते हैं। केक पकाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। इसमें 2 कप मैंने नमक ले लिया है। आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी पका सकते हो। मैं कढ़ाई में पका रही हूँ, जिससे हर कोई आसानी से पका सके। तो ये नमक है। इसमें मैंने एक कुकी कटर लिया है। आप कोई भी स्टैंड या कटोरी, कुछ भी आप इस तरह ऐसे रख लीजिए और गैस को ऑन कर दीजिए। अभी इसको हम ढक देते हैं। 10 मिनट तक नमक को अच्छे से गर्म होने देते हैं, फिर इसमें हम अपना केक रखेंगे। 10 मिनट हो चुका है, नमक हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। ये देखिए, इसमें एकदम भाप आ रही है। अभी इसमें हम अपना केक लगा देते हैं। तो इस तरह हम बहुत सावधानी से अपना केक इस तरह ऐसे लगा देंगे और इसको इस तरह ढक देंगे। गैस बिल्कुल धीमी करके हम इसको 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। जब तक हमारा केक पक रहा है, तब तक हम क्रीम बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने 1/2 कप क्रीम चीज ले लिया है और ये 1/2 कप शुगर पाउडर ले लिया है। दोनों चीजों को मिला देते हैं। ये देखिए, मिक्स हो चुका है। अभी इसको हम साइड में रख लेते हैं और केक डेकोरेट करने के लिए क्रीम बना के तैयार करते हैं। ये क्रीम चीज मैं मिक्स कर रही हूँ। आप बिना क्रीम चीज मिक्स किए भी बना सकते हो। मेरे पास है तो मैं मिक्स कर दे रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको साइड में रख लेते हैं। ये मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है और 1/2 कप मैंने शुगर पाउडर लिया है। इसको मिला देते हैं और इसका क्रीम बना के तैयार करते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। तो ये देखिए, हमारी क्रीम बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। अभी इसमें हमने जो ये चीज और शुगर पाउडर मिला के रखा था, ये भी मिक्स कर देंगे। ये मैंने सारी चीजों को मिला लिया। एक बार और अच्छे से सबको एक में मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी इसको हम साइड में रख लेते हैं और अपना केक एक बार चेक कर लेते हैं। 15 मिनट हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा केक कितनी अच्छी तरह से फूला है, बहुत ही स्पॉन्जी बना है। चेक करने के लिए हम ऐसा एक टूथपिक लेंगे और इसके अंदर इस तरह करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल क्लियर निकल रहा है। इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं, फिर निकालते हैं। तो ये देखिए, हमारा केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह इसको हम ऐसे पलटी कर देंगे। तो ये देखिए, आसानी से निकल गया हमारा केक और इसमें जो बटर पेपर हमने लगाया था, ये निकाल लेंगे। और इसको सीधा करके इसका शेप जो गड़बड़ हो गया, फूल गया, इसको हम काट के शेप में ले लेंगे। इस तरह हम कोई चाकू ले लेंगे, तो इस तरह चाकू से हम इसको ऐसे काट लेंगे ऊपर का पार्ट। अभी इसको हम इस तरह ऐसे पलट देंगे और इसको ऐसे 2 भागों में बीच से एक बार और काट लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको काट लिया 2 पार्ट में। अभी इसमें हम शुगर सिरप लगा लेते हैं इस तरह, और इसके ऊपर से जो मैंने क्रीम बना के रखी थी वो लगा देते हैं। क्रीम लगा दिया मैंने नीचे से। अभी इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट लगा के तैयार कर लेते हैं। अभी इसके ऊपर से भी हम शुगर सिरप लगा देंगे।
अभी इसको हम पूरा क्रीम से कवर करते हैं। ये देखिए मैंने क्रीम लगा के रेडी कर लिया है। अभी मैंने एक केक का क्रम्स बना लिया है, तो इसको भी लगा देंगे हम साइड साइड से, इस तरह से चिपका देंगे। ये मैंने जो क्रीम बना के रखा था उसको कोन में भर लिया है और उसी से अपनी मनपसंद डिजाइन बना दीजिए आप इसमें। और बीच में भी हम ये ब्रेड का क्रम्स जो है ये लगा देंगे इस तरह। ये मेरे पास कुछ रेड चेरी है तो इसको भी मैं लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी चेरी लगा दिया है, हमारा केक बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको हमारा केक। मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।